एग्जीबिशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पोहे बना रही हूँ तो सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ भीगे हुए पोहे में मैंने शक्कर, नमक और हल्दी ऐड कर रखी है। प्याज बारीक कटा हुआ, तेल, आधी हरी मिर्ची, सौंफ, धनिया, करी पत्ता और राई, आधा नींबू कटा हुआ। ये पोहे मेरी स्टाइल के हैं, लेकिन आपको एक बार जरूर ट्राई करने चाहिए क्योंकि ये पोहे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से बने हुए हैं ये पोहे। तो प्लीज और प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिए। सबसे पहले ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रखा है। तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो उसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। आधी हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ी सी सौंफ डालेंगे। थोड़ी सी राई डालेंगे। यहाँ मैं तीन लोगों के लिए पोहे बना रही हूँ तो इतनी क्वांटिटी का है। आप अगर ज्यादा बनाते हैं तो ज्यादा ऐड कर दीजिए और कम बनाते हैं तो कम ऐड कर दीजिए। थोड़ा कड़ी पत्ता डाला है और जो पोहे मैंने पहले ही भिगो के रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाए हुए पोहे हैं ये, जो जल्दी भी बन जाएंगे और टेस्टी भी बहुत लगेंगे। तो प्लीज इसे एक बार जरूर ट्राई करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छे से इनको मिक्स करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव लगाऊंगी जिससे कि पोहे सॉफ्ट हो जाएंगे और खिले खिले बनेंगे। यहाँ मैंने और कुछ ऐड नहीं किया है। बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं लेकिन बहुत टेस्टी लगते हैं। जब भी आपको कभी जल्दी हो तो इस तरह से पोहे ट्राई करिए, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे और बहुत ही अच्छे भी लगेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूंगी जो बारीक कटा हुआ है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और आधा नींबू कटा हुआ है उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप नींबू नहीं खाते हैं तो मत ऐड करिए और अगर खाते हैं तो जरूर ऐड करिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये हमारे गर्मा गर्म पोहे रेडी हो चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और एक प्लेट में इनको निकाल लेंगे। गरम गरम पोहे बहुत टेस्टी है, आप देखिए।